डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के महापौर व पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया। महापौर के साथ 85 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की, जबकि 5 पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। AIM IM के पार्षदों की पिटाई भी हुई और उन्होंने भाजपा पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने भाजपा पार्षद राजीव काले उत्तम सैनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया और जब भाजपा के दिग्गजों ने मेडिकल थाने में जमावड़ा किया और यह बताया कि वह जमानत करा लेंगे, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो पुलिस ने थाने से जमानत भी दे दी। यूपी व मेरठ की राजनीति में जिस तरह सपा को पछाड़कर ओवैसी की पार्टी की आमद हुई है, निश्चित रूप से वह सभी को चौंकाने वाली है। यह नतीजे आने के बाद की बात है, लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह में जो घटनाक्रम हुआ वह नगर निगम की राजनीति का भविष्य बताने का मात्र ट्रायल भर माना जा रहा है। यानी वंदे मातरम को आधार बनाते हुए नगर निगम की हर बैठक किसी अखाड़े से कम नहीं होगी, इसके साफ संकेत कल के घटनाक्रम में दे दिए गए हैं। यूपी की राजनीति में अभी तक भाजपा, सपा, बसपा, रालोद व कांग्रेस के बीच ही जोर आजमाइश होती रही, लेकिन राजनीति के इस दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की AIM IM ने भी ताड़ ठोक दी है। ओवैसी की राजनीति यूं तो हैदराबाद व उसके आसपास ही नजर आती है, लेकिन स्थानीय नगर निकाय चुनाव से उनकी धमाकेदार एंट्री यूपी में भी हो गई। मेरठ में उनकी पार्टी ने सपा को भी पीछे धकेल दिया। महापौर पद पर उनके प्रत्याशी अनस कुरेशी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा में सपा के बाद सर्वाधिक 11 पार्षद नगर निगम पहुंच गए, सपा के 13 पार्षद बने हैं। अब बात करते हैं शपथ ग्रहण के दौरान हुए हंगामे और मारपीट के बाद की। ओवैसी की पार्टी के पार्षद रेशमा के पति दिलशाद की तरफ से भाजपा पार्षद राजीव गुप्ता काले वे उत्तम सैनी और कविता राही के खिलाफ जान से मारने के नियत से हमला करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। ये सभी धाराएं जमानती हैं। बीच में भाजपा के कुछ पदाधिकारियों व पुलिस के कुछ अफसरों के बीच खिचड़ी पकी और राजीव काले, उत्तम सैनी और अंशु गुप्ता महानगर अध्यक्ष ओके सिंगल की कार से CO अरविंद चौरसिया की अगुवाई में सीधे मेडिकल थाने पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकेश सिंघल ने प्रचारित किया कि ये लोग तहरीर देने आए थे और यहीं बैठा दिए गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, जमानत कर ली जाएगी। शाम 6 से रात 11 बज गए, लेकिन राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी व राजीव काले की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी व कैंट विधायक अमित अग्रवाल द्वारा गिरफ्तारी पर आपत्ति हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देने के बाद उन्हें गिरफ्तार भाजपाइयों को थाने से जमानत दे दी गई। AIM IM पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का जब ज्यादा ही दबाव बनाया गया तो पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया ही कहते हुए लगभग फट पड़े कि मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी, मैं नहीं लिख सकता, अगर लिखवानी है तो ऊपर से आदेश करा लाओ। उधर SPCP पीयूष सिंह का कहना है कि लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही यदि हुआ तो रिपोर्ट दर्ज होगी। कुल मिलाकर भाजपाई अपनी रिपोर्ट शनिवार दोपहर 1 बजे तक भी दर्ज नहीं करा पाए थे, और यदि यह दर्ज भी होती है तो ये क्रॉस रिपोर्ट ही होगी। अब बात करते हैं वंदे मातरम को लेकर होने वाले विवाद की। नगर निगम के इतिहास में पिछले काफी समय से इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तत्कालीन मेयर अय्यूब अंसारी वंदे मातरम पढ़ते थे, डिप्टी मेयर हाजी याकूब कुरैशी भी इसमें बराबर शरीक रहते थे। हाँ, मेयर शाहिद अखलाक उस वक्त बैठक से बाहर चले जाते थे। यहाँ से विरोध की राजनीति शुरू हुई। आज यह विरोध नगर निगम बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट में तब्दील हो गया। नगर निगम के लिपिक वैभव वाषणे ने वंदे मातरम गले तरीके से गया। इसका डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विरोध किया और वंदे मातरम दोबारा से किया गया। इसे लेकर वहां विवाद हुआ, मारपीट हुई और फिर यह सारा घटनाक्रम कुछ इस तरह जैसे इसकी पटकथा कुछ लोगों के दिमाग में पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।